आजा भी काके जरा मालिश करा के यार। भैया आपका फोन है। हेलो गोप्स हियर। कौन था ये? रख दे उधर। क्या आप तीनों महापुरुषों में से किसी को याद है कि हमारे जो सर हैं इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, उनके बाद कही थी गला फाड़ के? Well, I thought so. आदमी तीन, याद किसी को भी ना है? अबे यहाँ टाइम पास पांडे ने एकदम ओपन चैलेंज दिया था कि मिस चौटाला अगर तो हम आपके संग नाच लिए तो जैसा आप कहेंगी वैसा हम करेंगे। अब बताओ एक आदमी ने इतना इजी वाला कैच दिया है और हम उसे लपक नहीं रहे। वेल मॉम, हमने ऑलरेडी बिछा दिया है 40 दा, चलती है 40 दा। अरे हाँ मैडम, सर के सामने वो गेंदा गदरीली की तारीफ कर करके हमने सर को ललचा दिया है और उनकी आंखों में लालच टपक 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 करके टपकवा दिया है। हाँ मैडम, अब बस आप देखती जाइए, यहीं पे महफिल सजेगी और आप नाचेंगी। मतलब आप डांस करेंगे ना सर के साथ, हम लोग देखेंगे। ठीक है, साउंड्स गुड टू मी। आइए मैडम। मैडम ये सब क्या है? ये सब क्या है आपके इशारे पे? क्या क्या है? ये कुर्सी है, वो मेज है, मैं हूँ, ये जमीन है, वो छत है, ये मैडम है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है आपके इशारे पे? मैडम आपने उस आदमी को अब तक क्यों नहीं पकड़ा जिसकी वीडियो फुटेज आपके पास है आपके इशारे पे? अबे पुलिस हमें तू है और पुलिस, हम डिसाइड करेंगे किसे हम पकड़े, किसे छोड़े, किसे बिठाए, किसे खड़ा करें, किसे भगाएं। यस भाई, ऐसा है वो वीडियो वाला आदमी और तू, तुम दोनों में कॉमन लिंक के हाथ पैर डेंटिस्ट, तुम दोनों का डेंटिस्ट सेम है, तो क्यों ना डेंटिस्ट से कुछ पूछताछ कराई जाए, हो सके वहीं से कुछ सुराग मिल जाए। हैं गोपी, तू जा सर के संग। ओके। ये लो, उखाड़ दिया। तुम्हारा दांत बहुत मजबूत था लेकिन उखाड़ दिया, जिंदगी क्रीम है। डॉक्टर इसका फेस पैक उतार दूं क्या? हाँ एक काम करो, फेस पैक उतार दो, इसकी आंखों में खीरा काट के लगाओ। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, फेस पैक लगवाने के लिए आया था, दांत उखाड़ दिया मेरा, भूख हड़ताल करूंगा। अरे यार डॉक्टर कमाल है यार तुम, अरे दांत हमको खड़वाना था और तुमने हमको फेस पैक लगा दिया। ऐसे हमारा बड़ा दिमाग खराब हुआ। अरे झिंगूर झोले में है। अरे अरे भाई साहब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी ले चलिए। अरे दांत ले जाओ, दांत आप रखिए। डॉक्टर साहब हम जरा कंफ्यूज है कि ये क्लिनिक है डेंटिस्ट का के पार्लर है ब्यूटी का? दोनों है सर, दोनों। दरअसल बात ये है कि बचपन से ना मुझे ब्यूटिशियन बनने का शौक था, लेकिन मेरे घर में सारे के सारे डॉक्टर थे तो मुझे भी जबरदस्ती डॉक्टर बना दिया। लेकिन देखिए नहीं छोड़ा मैंने अपना ड्रीम है, क्योंकि जिंदगी क्रीम है। हाँ इसलिए हमारे डॉक्टर साहब दोनों चीजें एक साथ चलाते हैं। बॉयफ्रेंड बरेली में है। पता है, आप बताइए आपको कौन सा दांत खुड़वाना है, बड़े आराम से निकालूंगा, या फिर फेशियल करवा लीजिए। हमारे यहाँ किस्म किस्म के फेशियल है, डायमंड, गोल्डन, सिल्वर, कोयला, ऑरेंज, नींबू, सब किस्म का। जिंदगी क्रीम है। Well, हमने नहीं उखड़वाना है कोई दांत इसदा, हम तो करने आए हैं पूछताछ इसदा। तो ठीक है दादाजी, पूछिए। ये दो लोग को जरा गौर से देखिए और बताइए कि आप इन दोनों को पहचानते हैं?
अरे ये दोनों तो मेरे ही पेशेंट हैं। ये जो है ये हमारे यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत अमीर आदमी है, और ये एकदम मामूली सा गरीब आदमी है। ये जिंदगी क्रीम है, बहुत गरीब। अच्छा बताइए, जो गरीब आदमी है इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? अरे क्या बताओ, ये बेचारा ये बहुत ही शरीफ, नहायत ही शरीफ लड़का है। अरे आपको पता है, एक बार मेरा बटुआ गुम गया था जिसमें 10,000 रुपए थे, वो बटुआ इसको मिल गया, इसने ला के मेरे हाथ में पकड़ाया। वेल, इसका मतलब इसने नहीं की है चोरी, इज्दा चोर कहीं वो तो नहीं है चोरी इज्दा। थैंक यू वेरी मच, चल बे। वेल, जब हम यहाँ आई गए हैं फॉर केसेस दा, क्यों ना चमका ले अपना फेस इज दा। अबे बुढ़ाओ, तेरा दांत उखाड़ देगा ये, चल बे जल्दी चल बे चल। नहीं नहीं दादाजी, ट्राई कीजिए। आइए आइए, कमाल है यार तुम। अरे दांत हमको खड़वाना था और तुमने हमको फेस पैक लगा दिया। Excuse me, झींगुर झोले में है। तो तू के यहाँ झींगुर पकड़ने आया है? नहीं नहीं मैडम, हम FIR लिखाने आए हैं। ओ क्या हो गया यार, पड़ोसन ने छेड़ दिया या अड़ोसन ने आंख मार दी? नहीं नहीं भैया, वो क्या है ना कि कल रात हमारे घर में चोरी हो गई है, झींगुर झोले में है। Excuse me bro, सही घर में तो दिखाई नहीं देना चाहिए मुझे, पढ़ना लिखना नहीं है इसने, खर्चे खेलना दिन भर बस बच्चों के साथ। चल, ऐसी औलाद पैदा की है मैंने, बिल्कुल दुश्मन को ना दे भगवान ऐसी औलाद, पढ़ना लिखना ध्यान नहीं है बिल्कुल, बर्बाद करके रखा है, फीस भरता रहा मैं स्कूल की। एक्सक्यूज मी ब्रो, अगर मैं हूं सही इज्दा, जो डॉक्टर के यहां मुझसे भिड़ा था, तुम हो वही इज्दा? एक मिनट, यो थारे से भिड़ा था? डेंटिस्ट का यहां मिला था। डेंटिस्ट के यहां यो भी जावे सेम डेंटिस्ट के, और चोरी इसके यहां भी हुई। डेंटिस्ट अबे कहाँ जा रहे हो भाई तुम? अब ये किस किस्म की टाइप, अबे क्या शुरू कर दिया है भाई तुम लोगों ने? हैं सर, वो सर इसने बिल्लू ने आपको गेंदा गदरीली के बारे में तो बताया होगा ना सर? हाँ तो सर बस इसने ही मुझे कुछ दिनों पहले उसके बारे में बताया सर, मैं एक बार गया सर, एक बार गया सर, और मतलब अब तो मतलब क्या है सर, वो कमाल है सर, धमाल है, मतलब लाजवाब है सर, क्या है सर गेंदा गदरीली, वो सर धमाका है, धमाका सर वो क्या सर, मैं तो कहता हूँ उसकी महफिल में अगर जो नहीं गया ना, उसको पंखे से लटक जाना चाहिए सर। क्या गाती है, क्या नाचती है, क्या ठुमका है सर, क्या झुमका है, क्या चाल आया है। अरे बस करो भाई बस करो, हम भी इंसान है यार, अगर इतना बोलोगे गेंदा गदरीली के बारे में तो हमारा भी दिल करेगा ना उसके साथ नाच गाने का। अरे तो उसमें क्या है सर, चलिए ना सर, आइए आइए चलिए। ना ना ना, हम ना जा सकते भाई, हम इस एरिया के सीनियर अफसर है, हमारा ऐसी महफिलों में जाना शोभा ना देता ना। महफिल यहाँ ले आते सर। मतलब? सर मतलब गेंदा गदरीली जो है उनको जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे सर के ये प्रॉब्लम है ऐसी ऐसी, तो आप आ जाइए, आप यहाँ आके नाच जाइए हमारे यहाँ पे, तो सर वो तो आ जाएंगे सर, कला है, कला का जो प्रदर्शन है सर, वो तो सर कहीं भी हो सकता है, लेकिन बस प्रॉब्लम सर ये है कि ना वो थोड़ी शर्मीली मिजाज की है ना सर, तो वो कहीं बाहर जाती है जैसे नाच गाना करने, तो सर फिर वो घूंघट लेके नाचती है ना। ये तो और भी अच्छी बात है बे, हमें भी शर्म ना आएगी। अरे फिर तो हो गया सर, बस हो गया बस, कला का प्रदर्शन कल ही करवा देते हैं सर, यहाँ पे यहीं पे करवा देते हैं सर, आप एकदम बस रेडी होकर आ जाइएगा और कल होगा गेंदा गदरीली का हंगामा सर, तबला मैं बजाऊंगा। थैंक यू बॉयज,
उधर में चल, काम पहले में चल। इधर इधर। डॉक्टर साहब, हमको दांत उखड़वाना है। कोई बात नहीं, आओ आओ, लेटो यहाँ आओ। डॉक्टर साहब पहले हमारा इलाज करेंगे क्योंकि हम अमीर है, क्यों डॉक व्हाट से हैं? नो 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 नो, देखिए हमारे क्लिनिक में गरीब हो या अमीर, संजय हो या समीर, सब एक समान है। एक काम करो, इन दोनों का चेकअप करो और मुझे बताओ, जिंदगी क्रीम है। चलिए आइए, लेट जाइए। कहाँ? पागल है क्या, यहाँ और कहाँ? अच्छा छोड़ा है। और डॉक्टर साहब, दोनों के दांतों में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ तो कोई बात नहीं, मामूली ऑपरेशन है। एक काम करो, दोनों को इंजेक्शन लगा दो और कल आने को कहो, दोनों का फेशियल कर दूंगा। मेरा मतलब ऑपरेशन कर दूंगा। हाँ। जिंदगी क्रीम है, आप लोग करवाइए, मैं आता हूँ अभी। सही निकला, ये सब डॉक्टर ही करवा रहा है। डॉक्टर, अब तुम घर जाके सो जाओ। अरे मैडम, आप लोग यहाँ, जिंदगी क्रीम है। Well, डॉक्टर गया है जागिरदा, तुम रही हो कहाँ भागिरदा? यार अब तो तुम कानून के जाल में फंस चुकी हो, सॉरी है। अबे यार हम तो समझ रहे थे यो है डॉक्टर है कल्प्रीट, पर यो निकली ब्लोंड है, ऐसा कैसा? और यो तू के कर दे बे ऐसा जादू कि सब जो है थारी बात मानते रहे बे रोबोट की तरह। मैडम मैं हिप्नोटाइज करने में एक्सपर्ट हूँ। मैं डॉक्टर साहब के मरीजों को हिप्नोटाइज करके उनसे चोरी करवाती थी और अगले दिन उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। अरे असिस्टेंट, तुम ऐसा करोगी कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। मैडम अच्छा हुआ आपने आज इसकी असलियत मेरे सामने ला दी। मैडम इसी तरह ये न जाने कितने और लोगों को लूटती रहती। चलो इसको अरेस्ट करो और चोरी का माल भी बरामद करो। अरे हाँ यार एक मिनट, वो शाम की तैयारी हो गई, आज वो गेंदा गदरीली नाचने वाली है चौकी में। रेडी रेडी मैडम, सब रेडी। अच्छा ए मैडम, हम भी आ सकते हैं गेंदा गदरीली? एक काम करो, इसे भी अरेस्ट करो, एक आध महीना जेल की हवा पानी खाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, आइए आइए आइए। अबे और कितना है बे, घुस जाए तुम्हारे अंदर। अबे तुम लोग तो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहे हो बे सब चीजों में। पार्ट टाइम तो नहीं है तुम लोग का? कमाल करते हैं सर, ये सब आपके लिए तो है सर। सर जैसा कि आप देख सकते हैं कि महफिल सज चुकी है, गद्दे लग चुके हैं, तबला आ चुका है और मशहूर गेंदा गदरीली आने ही वाली है सर।
वेल सर, इस ड्रेस में एकदम लग रहे हैं आप नवाब इज़दा, गेंदा गजरेली का नहीं कोई जवाब इज़दा। क्या बात है, पान लाए हो कि नहीं बे? हो यार। अरे ये लाए। सर, अब बस कुछ ही देर में गेंदा गजरेली का गजरीला डांस शुरू होगा, आप अपना दिल और अपनी जगह थाम के बैठ जाइए, मैडम भी आज छुट्टी पे हैं। ये सबसे सही चीज है बे, सबसे टॉप की चीज है, लेकिन वो गेंदा गजरेली है कहाँ? आ रही है सर, बस आ रही है, आ रही है, दिल थाम के बैठिए जरा। गेंदा गदरीली है? नहीं हूँ इस गेंदा गदरीली भाई। भाई मैं तो हूँ चंद्रमुखी चौटाला जैसे कि सब जानते हैं, और आप हैं बजरंग पांडे। और पांडे जी ने शायद यार एक वादा करा था, एक ओपन चैलेंज सा करा था कि भाई मिस चौटाला अगर तो हम आपके संग नाच लिए तो फिर जैसा आप कहेंगी वैसा ही हम करेंगे। हेलो, हाँ अनीता, अरे यार रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई है, तो मैं एक यहीं आसपास रनकगढ़ करके एक जगह है वहाँ रुका हूँ, अभी तो रात को कहीं मैकेनिक नहीं मिल रहा है तो सुबह तक लौटता हूँ। हाँ मैं यहीं रुकता हूँ। हाँ हाँ खाना मैं तुम्हें करता हूँ फ़ोन। ये तहखाना कैसा? बुलबुले जी, संजीव कुमार की आवाज निकालिए ना। संजीव कुमार, ये ले। अब सांप को हाथों से नहीं पैरों से कुचला जाता है। वेल वेरी गुड इज़दा, मैं हूँ चौकी का डूड इज़दा। अब सनी देओल, सनी देओल, सनी देओल, देखने तारीख पे तारीख इंसान अपना सब कुछ बेच देता है और उसे मिलता क्या है? सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब हैंड पंप उखाड़ो गुलगुले जी। वाह वाह गुलगुले जी, आप छा गए। हाँ और हम आ गए। वैसे थोड़ी बहुत मामा करी मन ने भी आबे करनी। सच प्लीज मैडम करके बताइए ना। वेल मॉम, किसकी मिमिक्री करेंगी आप इज़दा, कटरीना करीना शाहरुख या अमिताभ इज़दा? नहीं मैं दिलीप कुमार। नहीं नहीं इससे बेटर वाली मैं। दिखाइए दिखाइए। ऐसा दिलीप जी ने अपना अनुपम अंकल को मारा था रैपिड कर्मा में कि थप्पड़ की गूंज। है ना? हाँ हाँ। मैं करूं धर्मेंद्र जी। ये नहीं नहीं इससे बैटर वाली करूंगी मैं। अरे दिखाइए। ऐसा घूंसा धर्म जी ने गब्बर जी को मारा था सोले पिक्चर में। है ना सही है ना? मैं करूं एक और मिमिक्री? नहीं 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 मैडम, आप तो मिमिक्री क्वीन है, कमाल है कमाल है, कितना अच्छा करती हैं आप, कमाल है। आइए आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, बुआ उदास है। अबे बुआ उदास है तो फूफा के पास जाके कंप्लेंट कर ले, यहाँ के फांकने आया तू पंजीरी। पंजीरी नहीं मैडम, पुन्नी, बुआ उदास है। पुन्नी? कौन पुन्नी? वो चुन्नी की बेटी पुन्नी? मेरा मतलब है वो टुन्नी की सहेली पुन्नी। अरे पुन्नी का मतलब है पूनम। पूनम ढिल्लन? अरे ढिल्लन नहीं, मिलन मिलन। मैडम
मैं पूनम नाम की लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हमारा मिलन नहीं हो पा रहा है। बुआ उदास है। Well, bro, थूदा यूदा आरिज़दा, मोहब्बत का मारा है सारा संसार इज़दा। मैं बर्फी हूँ। अच्छा तू बर्फी है, कौन सी बर्फी? खोए की बर्फी कि काजू की बर्फी? ऐसी बेवकूफी की बातें करता है कोई? बिल्कुल जी, आपकी मिमिक्री है। क्या पता है? मैडम मेरा नाम बर्फी है, बर्फी बावला। आई लाइक जूही चावला। लेकिन लेकिन मुझे मोहब्बत है पूनम से, और पूनम को मोहब्बत है मुझसे। लेकिन उसका डैडी हमारी शादी के खिलाफ है। हम दोनों एक दूसरे के लिए तकिया और गिलाफ है। बुआ उदास है। वाह, बोलने वाला बर्फी। अरे नॉर्मल केस है यो, थारे में ही होंगे कुछ कुलक्षण जिसकी वजह से जो है बाप अपनी बेटी नहीं देना मांग रहा। अरे मैडम जी, मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ, आटे की रोटियां खाता हूँ, एकदम खानदानी लड़का हूँ। लेकिन मेरे होने वाले ससुर ने कहा है कि कुछ भी हो जाए वो पूनम की शादी मुझसे तो क्या किसी से भी नहीं होने देंगे। बुआ उदास है। हैं? यो ऐसा कौन सा बाप है दुनिया में जो अपनी बेटी की शादी कभी होने ही नहीं देना मांग रहा? जी हाँ, ऐसा एक बाप है। और वो बाप मेरा अच्छा खासा दोस्त है जो रनकगढ़ का जमींदार है। उसकी बेटी बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही खूबसूरत है। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी की शादी हो। वजह क्या है ये मैं खुद नहीं जानता। अर्जी जो, आपको कैसे पता चला कि बर्फी यहाँ आके जमा हुआ है? मुझे पूनम ने खुद बताया है। ओके। और मैंने उससे वादा किया है कि मैं ये शादी करवा के रहूंगा। और मिस चौटाला, ये मेरा ऑर्डर है कि आप इस केस में इन्वॉल्व हो जाइए और जितना जल्दी हो सके इस केस को निपटाइए। प्लीज मिस चौटाला, प्लीज। ओके सर। बालको बुलवा जरा जमींदार साहब ने। जमींदार साहब बैठिए। उसने बोल तो दिया कि जमींदार है, क्यों घुसा रहा है अपना बीच में जमींदार इज द। अलार्म बज उठा, नमस्ते है क्यों नीम जी? जी मालिक, घोड़ा घबराहट में है। हाँ तो जमींदार साहब, ऐसा है कि आपको इसलिए बुलवाया है क्योंकि आपकी छोरी है ना पूनम भाई, वो एक छोरे से प्रेम करे बर्फी नाम के, पर आप उसकी शादी ना करवाना मांग रहे उससे। मतलब बर्फी के आपको तो लड्डू रसगुल्ला जलेबी इमरती कोई लड़का ना चल रहा। आपने बिल्कुल सही सुना है भाई, शादी नहीं कराना कोई गुनाह है? हाय हाय, नहीं ना है। हमारी बेटी है पूनम और हम उसके बाप हैं। हमारी बेटी की शादी कहाँ होगी, किससे होगी, किस तरीके से होगी, किस तारीख होगी, शादी करे कि ना करे, ये फैसला रानागढ़ के जमींदार खुर्राट सिंह का होगा। अलार्म बज उठा क्यूटी ना। मतलब मुनीम जी? जी बिल्कुल, घोड़ा घबराहट में है। और देखिए ऐसा है कि अरे भाई, पुलिस और कानून से ही पूछ के हम अपने बच्चों की शादी करेंगे क्या? आना जरा। हम ज्यादा यहाँ जो है साण पट्टी करी ना तेने, तो थारी जिंदगी का बही खाता खोल दूंगी मैं, समझा? समझा समझा। बहुत अच्छा। देखो भाई जमींदार साहब, बात ऐसी है ना कि तुम्हारी छोरी पूनम इब हो गई है बालिग, यानी 18 अबव, और उसको एक लौंडे से हो गया है प्यार।
जिसका नाम है बर्फी। तो भाई उसको शादी से मना करना या उसकी शादी ना करवाना कानूनन जुर्म है। Well, आप नहीं कर सकते उसके साथ जबरदस्ती इज्दा। हसीनाओं को देख के छा जाती है मुझ पे मस्ती इज्दा। अरे ये सब हम नहीं मानते, हम उसकी शादी नहीं करा सकते। अलार्म बज उठा। क्यों नहीं करा सकते? कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? हम अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकते, मतलब नहीं करा सकते। तो ये मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करा सकते। तू अपनी बालिक बेटी को कैद में कैसे रखेगा? मैं देखती हूँ तो मैं पर्सनली करवाऊंगी उसकी शादी। मैडम ऐसा मत कीजिएगा वरना वह हैवान मेरी बेटी की जिंदगी को खा जाएगा, उसकी मांग को उजाड़ देगा। अलार्म बज उठा। ये आप किस हैवान की बात कर रहे हैं अंकल? हमारा खानदान श्रापित है। अगर हमारे खानदान में कभी किसी लड़की की शादी होगी तो सिर्फ बर्बादी होगी। अलार्म बज उठा। मैडम जी मैं बताता हूँ, रनकगढ़ में इतनी बड़ी हवेली होने के बावजूद भी जमींदार साहब यहाँ रहते हैं। कारण क्या है कि हवेली के पीछे एक मंदिर है और 30 साल से उस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। वहां एक हैवान रहता है घोड़ा घबराहट में। देखिए भाई ऐसा है कि ये जो कहानियां है ना ये इब ना चलती हैं, दे आर आउटडेटेड। तो ये जो हैवान वगैरह है इसमें मैं विश्वास ना करती हूँ। अपनी ये कहानियां अभी बकवास बंद करो। अब मैडम देखिए ऐसा है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप रनगढ़ जाइए और खुद देखिए जाके कि वहां पे क्या हो रहा है। ऐसा मत बोलो मुनीम जी, ऐसा मत कीजिए। रनगढ़ के उस मनहूस हवेली में कभी मत जाइए। अलार्म बज उठा। एक बात बताओ जमींदार साहब, तुम्हारी बेटी पूनम को रनगढ़ में किसी ने देखा है? नहीं, मैंने अपनी बेटी को बचपन से ही रनगढ़ के उस हवेली के साए से भी दूर रखा है। अलार्म बज उठा। तो ठीक है, पूनम बनके मैं रणगढ़ जाऊंगी और देखूंगी कौन बैठा है वहां हैवान। नहीं नहीं मैडम, आप वहां नहीं जा सकती। घबराओ मत, तुम तीनों भी मारे संग चलोगे। सामान बांध लो। कौन थी वो? रणगढ़ की हवेली में जाने से रोक क्यों रही थी? ये तो रणगढ़ जाना ही पड़ेगा। क्या सर? सर आप किसी लायक नहीं है। अबे? हाँ सर। क्यों
कितनी उम्मीदें थी हमें आपसे सर, लेकिन आपने आपने हमारी हर उम्मीद को तोड़ दिया। या सर, हमें लगा था आप लेंगे मॉम को मनाइजदा, कैंसिल हो जाएगा रणगढ़ का प्रोग्राम जो था मनाइजदा। अबे अबे हमने कोशिश की, पूरी कोशिश की, कोशिश कर करके कोशिश की, इतनी कोशिश की कि कोशिश खुद सोच में पड़ गई होगी हमने कितनी कोशिश की, लेकिन हमारी हर कोशिश करने की कोशिश नाकाम रही। चल कोशिश रह गई और तुम लोगों को लग रहा है कि हमने कोशिश करने की कोशिश नहीं की है? सर आपके इस अंदाज पे एक शेर अर्ज है सर। शाह प्लीज। शर्म उनको आती है जो शर्म से शर्माते हैं। वाओ। शर्म उनको आती है जो शर्म से शर्माते हैं, हम तो बेशर्म हैं, शर्म हमसे शर्माती है। लेकिन आप क्या करें सर, ठाकुर साहब के हिसाब से उस हवेली में हैवान है। आप लोग तो जिंदगी के सारे मजे ले चुके हैं। कहा लिया अभी मैंने? नहीं, मेरी तो अभी अभी जवानी आई है ना। नहीं नहीं, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी, और मतलब कुछ अगर मुझे हो गया तो फिर इसके फिर तो टाटा बाय बाय। हाँ सर, सर मेरे ऊपर भी मेरी एक बीवी और दो पड़ोसनों की जिम्मेदारी है सर। yes! सर अगर उस हैवान के हाथों में मर गया तो मैं मरना नहीं चाहता हूँ सर। या सर, अगर उखड़ गया मेरी लाइफ का हैंड पंप इसदा, मच जाएगा हसीनाओं में हड़कंप इसदा है। लगता है देखकर। देखो मान जाओ कि वो नहीं मानेगी, क्योंकि हमने उन्हें मना मना कर मनाया, इतना मनाया, इतना मनाया, इतना मनाया कि क्या बताया कितना मनाया। लेकिन उन्होंने मानने से मना कर दिया, और अब तुम लोग मान जाओ कि तुम लोगों को रनकगढ़ की हवेली जाना होगा। रेडी हो जाओ। चलो बुलावा आया है, मैडम ने हॉर्न बजा के बुलाया है, तो सब जोर से बोलो जय माता दी। मस्ती में आयो आयो जिलेले, जिलेले जिलेले आयो आयो जिलेले, मस्ती में आयो आयो जिलेले। बुबा 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 महबूबा, नई नई मस्ती में और दिल डुबा, कभी कभी पल ये मिले हस्ती में, आओ झूमो नाचो गाओ मस्ती में। जिलेले जिलेले आयो आयो जिलेले, मस्ती में आयो आयो जिलेले। चौड़ाला कहीं रास्ता भटक तो ना गए? ये रणगढ़ आ ही नहीं रहा है। मैडम मुझे क्या लगता है कि ये रणगढ़ नाम की जगह कोई है ही नहीं, वापस चलते हैं हम, लौट चलते हैं। चलो या शी इज राइट इज द, एक एक लप्पड़ लगाऊंगी मैं सबके कान के नीचे, चुपचाप बैठे रहो गाड़ी में। मैडम मैं तो चुपचाप ही बैठा हूँ। रनकगढ़ मत जाना, मत जाना रनकगढ़, रनकगढ़ मत जाना।
अबे अबे पकड़ो इसे जरा। अबे अबे चल अबे भाग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? क्यों भाग रहा था तू? और क्यों कह रहा था राणा गढ़ नहीं जाना? बोल। बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। मैडम मैं तो इसलिए कह रहा था कि राणागढ़ में कोई रिसोर्ट नहीं है, बल्कि एक नया रिसोर्ट यहाँ खुला है जिसका मैं एजेंट हूँ। आप राणागढ़ मत जाइए, मेरे साथ चलिए वहाँ पे। नहीं तू पागल है क्या? ये बताने के लिए इतना दौड़ाया तूने? चल निकल यहाँ से, निकल। वाला तू दा यू दा छोरी इस दा, क्या तुम हो गांव की गोरी इस दा? हे बाबू बेर खरीदोगे? मैं बेर वाली हूँ। वाल बेबी बेर भी खरीद लेंगे, जरा अपना सोना मुखड़ा तो दिखा दो। अच्छा अगर मैं अपना सोना मुखड़ा दिखा दूंगी तो आप ये सारे के सारे बेर खरीद लोगे? यार श्योर इस दा, लता रफी किशोर इस दा। अच्छा ये लीजिए, अब मैं दिखाती हूँ मेरा सोना चेहरा, ये देखिए। ये तो गोपी की आवाज है। गोपी गोपी अबे ओ क्या हो गया भैया? आप टेंशन मत लो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो दिल्लू क्या हुआ? तू भी इस तरह खाली? अबे एक औरत है, औरत से इतना डरने की क्या बात है? मशाला हम जाकर देखते हैं। अबे तुम लोग भी ना तो मेरा आदमी हो के औरत बन के घूम रहा है तू हाईवे पे? मैडम मैं बुद्धन हूँ, फिर बेशरम है। देर बेशरम ना है, बेशरम है तू जो औरत बनके लोगों ने डरा रहा है हाईवे पे। क्यों करता है बोल, क्यों करता है? वरना तोड़ के एक एक हड्डी तोड़ के यहाँ बिछा दूंगी। मैडम परिवार भी पालना है, बेर बेशरम है। मैडम वो कहना कि मैं यहाँ बेर बेचने आता हूँ, कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं अपनी बीवी की साड़ी पहन के आता हूँ ताकि औरत समझ के लोग यहाँ पे गाड़ी रोके और बेर भी खरीद ले। मैडम मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं कान पकड़ रहा हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। बेर बेशरम है। चल पुलिस स्टेशन चल। नहीं चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। बेर बेशरम है। दूर रहे भाई, दूर रहे हमसे। चलो बैठो, फालतू में टाइम पास हो गया। पहुंच गए। आ गया सर। हवेली हवेली अच्छी है, बढ़िया है सर। कोई कोई है? वेरी गुड वेदर, आई लाइक इट। अरे कोई है? कौन हो तुम लोग? हाँ
हूँ तुम लोगों और यहाँ क्या लेने आए हो? तुम कौन हो? ये पूछने वाली तुम कौन हो? मधुबाला मायूस है। ए, किस तरह बात कर रहे हो? ये इंस्पेक्टर। ये लोग मेरे दोस्त हैं और मैं इस हवेली के मालिक जमींदार खुर्राट सिंह की बेटी हूँ, पूनम। मालकिन आप मालकिन, मधुबाला मायूस है। मालकिन लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं? अपनी जान जोखिम में डालने क्यों आई हैं मालकिन? तुम कौन हो? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ मालकिन। पिछले 30 साल से इस शापित हवेली की रखवाली कर रहा हूँ। मधुबाला मायूस है। चले जाइए मालकिन, आप लोग सब यहाँ से चले जाइए वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगा। ठीक है अंकल, कम ऑन पूनम, इतने बुजुर्ग आदमी कह रहे हैं तो फिर हम लोग यहाँ से चलते हैं। ए पुन्नू, फ्रेंड्स, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ काका। मैं और मेरे दोस्त कुछ दिन यहीं रहेंगे, हमारे ठहरने का बंदोबस्त कराइए और कुछ खाने पीने का भी। Well, बताओ एक बात इसदा, लालटन क्यों जलाई है जबकि नहीं है रात इसदा? अंधेरा इस हवेली की किस्मत है दादाजी। मधुबाला मायूस है इसलिए मैं दिन में भी लालटेन जला के रखता हूँ कि पता नहीं कब अंधेरा छा जाए और वो आ जाए। मधुबाला मायूस है। भैया एक बात बताओ कि ये मधुबाला कौन है? जो मायूस है बाबूजी। नहीं, उस कुर्सी पर मत बैठना। क्यों चाचा? क्योंकि उस कुर्सी में खटमल है। ओए बाबूजी, नहीं नहीं, उस ग्लास में पानी मत पीजिए बाबूजी, मत पीजिए। व्हाई इज दैट? क्योंकि 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 अबे क्योंकि जल्दी बताओ चाचा, हमारा पोजीशन जरा कंफर्टेबल ना है। क्योंकि वो ग्लास झूठा है, उसमें थोड़ी देर पहले मैंने पानी पिया था और भूल से भी कोई भी उस खिड़की को मत खोलिएगा। हैमिंग के देवता, अब उस खिड़की में क्या है? उस खिड़की में बिटिया, उस खिड़की के पेच ढीले हैं। हाय हाय, खोलने से गिर जाएगी। चलो ये सब तो ठीक है काका, ये बताओ कि हमारा पुश्तैनी मंदिर कहाँ है? कौन सा मंदिर? चाचा घबराने की क्या बात है, बता दो मंदिर कहाँ है। हाँ मंदिर, वो पुश्तैनी मंदिर। हाँ वो मंदिर हवेली के पीछे जो जमीन है उस पे है। लेकिन लेकिन बिटिया, भूल से भी उस मंदिर में नहीं जाना, भूल से भी नहीं जाना, मधुबाला मायूस है। खैर अब आप लोग आ ही गए हैं तो आप लोगों को खाने का इंतजाम करता हूँ। क्या? हम लोगों को खाने का? मेरा मतलब आप लोगों के खाने का इंतजाम करता हूँ, मधुबाला मायूस है। चलिए चलो। ओ बाबूजी, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। और आप कौन है? मैं हूँ मधुबाला। जो मायूस है? हाँ, मैं चौकीदार की बेटी हूँ। खामोशी चीख उठेगी। चलिए 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 नहाने या चलो।
चलिए। जी चौकीदार, क्या हुआ, डर गए क्या? मधुबाला मायूस है। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? काजर धोने आया था। इस वक्त? हाँ, क्योंकि पूरी हवेली में यही जगह है जहाँ के फवारे में साफ पानी आता है। सोचा कि आज आप लोगों के लिए गाजर का हलवा बना दूं, क्योंकि मधुबाला मायूस है। क्या कहा आपने, सिर्फ यहाँ साफ पानी आता है, बाकी नलों में क्या आता है? अबे क्या हो गुरु, क्या हो? अबे सर, सर ये देखिए सर, लाल पानी सर। ये कैसे हुआ सर? पानी सर, नल में लाल पानी आ रहा है सर। आप घबराइए मत, इन नलों में पानी जमीन से आता है, और यहाँ की मिट्टी लाल है इसलिए पानी लाल आता है, और सिर्फ ऊपर वाले गुसलखाने में ही साफ पानी आता है। खामोशी चीख उठेगी। और यो पुरानी रनकगढ़ की हवेली, घने पड़ाकू रहते थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम हो कौन? मैं तुम्हें रोकने आई हूँ, चली जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें पहले भी सावधान किया था कि यहाँ मत आना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और रनकगढ़ की हवेली फिर चली आई। चली जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए ना आई हूँ, बल्कि इस हवेली के राज से पर्दा उठाने आई हूँ। और तुम्हारा भी, तुम हो कौन? मैं पूनम की दाई माँ हूँ, मुझे जमींदार साहब ने भेजा है तुम्हें रोकने। उन्होंने उस रात भी भेजा था तुम्हें रोकने, क्योंकि क्योंकि ये हवेली शापित है। किस तरह का साप है इस हवेली पे? बहुत समय पहले की बात है, आज से 30 साल पहले इस हवेली में एक दूध वाला आता था। जमींदार साहब की बहन को उससे प्यार हो गया था। जमींदार साहब ने अपनी बहन की शादी किसी और जगह करा दी। कहते हैं ये सदमा दूध वाला बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उसने ये श्राप दिया कि वो हैवान बनेगा और इस हवेली में किसी भी बेटी की शादी नहीं होने देगा, और अगर शादी की गई तो वो बेटी और उसके पति को मार डालेगा। हैवान है कहाँ वो हैवान? पुराने मंदिर के नीचे तहखाने में बंद है। पर मंदिर में कोई मूर्ति क्यों ना है? अगर मंदिर में मूर्ति होगी तो वहाँ लोग दर्शन करने आएंगे, फल फूल हार जल दूध चढ़ाएंगे, और जिस बाबा ने उस हैवान को तहखाने में बंद किया था, उसने कहा था कि अगर दूध की एक भी बूंद हैवान तक पहुंच गई तो वो जाग जाएगा। सैलाब आएगा और फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। चली जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चली जाओ। अब तो मैं कहीं ना जाऊंगी, बल्कि इब मैं आज रात ही पुराने मंदिर जाऊंगी उस हैवान से मिलने, और तुम मुझे चाहकर भी रोक नहीं सकती, समझी?
वेल क्या है भैया, आप रेडियो बंद करना भूल गए थे तो बंद कर रहा हूं मैं। ये मेरा कान है, रेडियो नहीं है। रेडियो मैंने कब से बंद कर दिया है? तो फिर ये आवाज कहां से आ रही है? गॉड नोस। अब मैं सो जाऊं? सो जाऊं मैं? सो जाऊं मैं? सो जाऊं। कौन गा रहा है इतना डरावना गाना? उनको ढूंढा पूरी हवेली इसदा, कहीं उन्हें खादनी भूत या भूत की सहेली इसदा। बकवास मत कर, जब सर चिल्लाए तब तू कहां था? वेल, मैं डर के मारे गया था दुब के इसदा, धीरे धीरे रहा था सुब के इसदा। किसी काम का क्यों?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.